हेलो एंड गुड आफ्टरनून पीपल, हाउ आर यू गाइस डूइंग। सो आज हमारे दिन की शुरुआत हो रही है, ऐसे बाहर बैठे हैं हम। गुड आफ्टरनून एंड चीयर्स। सो मैं अपना व्लॉग वगैरह एडिट करके अभी बाहर आई थी और ऐसे में अपना वो लेके आई थी पिल्लो और एक कुशन, बट अभी मैं चाय पीने बैठ गई हूँ और धूप अच्छी खासी हो रही है, बट ठंड एज सच हो नहीं रही है, बट अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं अंदर बैठ के एडिट कर रही थी तो वो ठंडा ठंडा सा हो गया था, तो मैं इस वजह से बाहर आके बैठी थी। रिदा खेल रही आज निर्भय, बहुत दिनों बाद आया है तो रिदा इज प्लेइंग विद निर्भय, तो मुझे इस वजह से वो टाइम मिल गया कि मैं अपना एडिट शेडिट कर लूँ। मैंने टाइम का फुल यूटिलाइज किया और अब मैं बैठ के खा रही हूँ पास्ता जो कि माला ने बनाया है। तो रिदा सीटी ने पकड़ लिया आज दादी को और दादी के साथ गई थी पार्क। मैं जा रही हूँ नीचे खाना खाने क्योंकि बना हुआ है आज इडली और लाल वाली चटनी। पापा खाना दे दो और सांबर, तो देखते हैं और पापा को भी सर्व कर देते हैं और हम भी खा लेते हैं। नमस्ते जी। सो हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मम्मा ने बोला कि मैं तो व्लॉगिंग करती हूँ, आज तुम ही कर लो बेटा, इसलिए मैंने शुरू कर दिया है व्लॉगिंग करना। क्या मैं ज्यादा को बोला, मैं कहा तुम ही कर लो बेटा व्लॉगिंग। कैसे जैसे ज्यादा ने कैमरा खोल लिया। तो हेलो गाइस, देखिए हमारी फ्लाइंग प्लेट गोभी के पराठे की। सो गाइस, हमारा बना है गोभी का पराठा। मैं कितनी बार ही बोलूंगी कितना यम्मी है, कितना यम्मी। मैंने टेस्ट भी नहीं किया कितना यम्मी कितना यम्मी, टेस्ट करके देखते हैं। मजा ही आ गया, नजारे ही आ गए, सब कुछ आ गया हमारी लाइफ का। लव यू गाइस, बाय। मम्मा डूस लाइक दिस। अरे वो कैसे होते हैं, ये भी कर लेती है, ये भी कर लेती है और आईब्रोज भी ऊपर कर लेते एक साथ। कभी आपको शूट करूंगी क्या, कभी दिखाऊंगी। सो हमारा पराठा बन गया है, ये देखिए आलू का जो रिदा के लिए बना है और चाय भी बन गई है और रिदा मैडम को बस अभी खाना खिलाते हैं। आओ रिदा। है इतना प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिलती हैं। मेरे पापू हमारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई है, ऐसे रिसॉर्ट टाइम से आ गए हैं। और दादी को दादी पार्क में लेके गए थे। दादी से थोड़ा आंकड़ा थोड़ा काम का रहता है। कैसे आगे सर, आज सारे अच्छे रहेंगे है ना, आपके साथ भी पापा भी अच्छे चाय पे कह मारना बेटा। चलो पापा को भी चाय जाओ गोप से। आओ आओ, तो कुछ होने नहीं है। दादू ने चाय बनाई है अभी, बहुत टेस्टी। दादी ने, दादू ने। और उसके बाद आप अपनी तो बता दो ना, आपने क्या करवाया है। मैंने कुछ भी नहीं करवाया। पापा ने इतने अच्छे से चाय में पानी डाला पूरा और मम्मी ने निकलवा दिया पानी। उनने तीन कप डाले थे पूरे भर के, हमारी फैमिली में डालते हैं। तो इनने बताओ, दादी ने बोला तीन कप आधा एक और आधा डालो कप, तो फिर इनने डाला चाय कम होगी तो दादी मम्मा से ले लिए चाय। नहीं नहीं, दादी ले ली मैंने, अब जिसने कम करवाया मैंने दादी की चाय में से ले ली। चाय टेस्टी चाय बनाया दादू ने, अब कल से चाय दादू के हाथ की। कैसी है यहाँ से तो मैं निकला इस जंगल से बहुत दिनों बाद। तो दोस्तों ये मेरी हो गई है सुबह की तैयारी रिदा के टिफिन की। सारी चीजें आ गई हैं मेरी यहाँ पे, मैं ब्रेड ब्रेड इडली लेके आ गई हूँ, ये रखनी थी फ्रिज में, आई फॉरगॉट। इसको रख देते हैं हम फ्रिज के अंदर। दूसरी चीज मैं अभी लेके आई हूँ अपने लिए सूप नीचे से टमाटर वाला, और साथ में लाई हूँ मलाई, धनिया, काली मिर्च और क्रूटॉन्स और
और ये हो गया है सुबह, आई एम गोइंग टू गिव रिदा फ्राइड वाली इडली। एक्चुअली मैंने लंच नहीं किया, दैट इज द लंच नहीं सॉरी डिनर नहीं किया, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू हैव अ कप ऑफ सूप गरम गरम बढ़िया वाला एकदम मलाई शलाई डाल के। सो मेरा सूप हो गया रेडी, इसमें मैंने मलाई शलाई धनिया वनिया सब डाल लिया है और बहुत ही बढ़िया एकदम गरम गरम मस्त मज़ा आएगा भाई पीने में। गौर से देखिए इस आदमी को, नीचे जाने से पहले पूछा मैंने इससे कि तुम सूप पियोगे, बंदे ने सीधा मेरे मुंह पे मना कर दिया। ऊपर लाने के बाद गर्म करने से पहले मैंने इससे पूछा कि तुम सूप पियोगे, इतने सारे क्यों पा रहे हैं भाई। ये मेरे रोज की स्टोरी है गाइस, ये हर बार ही मेरे साथ ऐसा करती है, आज पहली बार इसका ऐसा हुआ होगा। मैं क्या करती हूँ सर बताना जरा। जब भी मैं कुछ चीज पहले मना करती हूँ फिर तुम मांगती हो उसमें से, बर्गर मंगाया कुछ खाएगी तो नहीं नहीं खाऊंगी, फिर जैसे ही आएगा उस टाइम आके बैठ जाएगी। तूने शूट किया कभी ऐसा हुँ? जो दिख नहीं रहा वो सच नहीं है राहुल, जो दिख रहा है वो सच है। यही तो दुनिया का दस्तूर है, मैं यही इन्हें समझा रही हूँ, जो दुनिया वाले देख रहे हैं ना तो इनको मैं यही समझा रही हूँ। ये मुझे तेरा पर्दा फाश करना है कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है। मतलब जो दिख रहा है वो बिक रहा है, अब ये चीज दिखी तो ये सच हो गया। जो पर्दे के पीछे है, कैमरे के पीछे है, जो नहीं दिख रहा वो झूठ है। समझ रहा है? और जड़े गप गप करके खत्म करने लग गया ना, कैसा लग रहा है मुझे स्वाद ना? बहुत स्वाद है। पीले पीले मैं बना दूंगी। खा ले राहुल, बन जाएगा वो तो, सूप ही तो है। पेट खराब हो जाएगा क्यों? जो सब तो देख लिया। चलो यार दोस्तों इसको बस क्या बताऊं मैं, मेरी बिग स्क्रीन पे मेरी मूवी चल रही है मैं देख रही थी बिग बॉस के साथ सूप पी रही। ओ मेरे वो सब गिरेगा भाई, रुको संभालो जरा। ये लो मैं फिर दिखा दूँ कैमरे के सामने, जो दिखता है वो बिकता है। बंदे ने कहा था दे ही दे मेरे को। अब मैं रहा ना दोबारा पूछ रही तुमसे, आई एम गोइंग टू मेक अनदर कप फॉर माई सेल्फ, वुड यू लाइक टू हैव इट? उसी में से थोड़ा सा देख, उसी में से थोड़ा अच्छा वो क्या था, डेढ़ कप बना ला नहीं तो मैं बर्तन धोने वाले में रखती, बट चलो कोई बात नहीं, हमारा बिग बॉस हमारे साथ जा रहे हैं, हमें कौन सा किसी चीज का वो लगेगा। चलो जी दोस्तों देखते हुए जाएंगे। ऋतिक का टिफिन हो गया है रेडी, जिसमें बनी है इडली ऑरेंजेस और केक स्लाइस, और इसका कोई क्लास में कुछ तो एक्टिविटी है जिसके लिए ये वाला फूड जा रहा है, और बस मैं जा रही हूँ बाबू उठाने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब लोग? तो ऑल माय किचन वर्क इज डन, आई एम जस्ट गोइंग टू वेक अप रिदा नाउ और लाती हूँ वहाँ से, और फिर तैयार करते हैं फिर भेजते हैं स्कूल। चलो चलो साढ़े छह होने वाले। Clear winner of this challenge 31. Bye bye Ritzy. Bye bye. All set? Bye
चल लेट्स गो। तो मैं नहा धो चुकी हूँ और दिन जा रहा है हमारा बहुत ही बढ़िया। और बस अब मैं नीचे जाने लग गई, नीचे आके पीते हैं चाय शाय और बैठते हैं अपनी व्लॉग की एडिटिंग पे। हाय रित्सी, हाय, हाउ आर यू, कैसा रहा दिन तुम्हारा? गूगल से सर्च करना कुछ। अरे एक मिनट रुको, पहले दिन बताओ कैसा था? ये था बढ़िया। और मुंह में च्युइंगम कैसे? नहीं आ गई हूं ऊपर। नमस्ते जी, नमस्ते, राम जी, राम 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 जी। सैलेड लेके सैलेड, बीटरूट सैलेड, और अब हम सब बैठ के खाएंगे सैलेड। पापा को भी बुला लेते हैं। मैंने बोला तो था, अरे तो दादू ये दादू को बात मार दूंगा। बोले दादू आ जाओ, दादू खोली भी नहीं। चलो आप पढ़ लो। हम फोन में देख लेते हैं न्यूज़। नहीं खाना गंदा नमक है। पापा का कहते थे पापा को गजब का होता भाई सैलेड, लाल हो जाएंगे जैसे हम खाते हैं। लालो लाल खून के जैसे लाल हो जाएंगे, क्योंकि खून इसमें फिट ही नहीं होगा कि इतना बच जाएगा खून। शार्पनर यहाँ पे दो तीन पड़े तो थे, ये रहा बट इसके अंदर नोक घुस गया, वो बाहर नहीं आ रही। माला दिन निकाल देंगे। तुम लोग कर क्या रहे हो? मम्मा ये कुछ नहीं कर रही, मैं कर रही।